की खास खबर, शराबियों पर सरकार की धोली मार, शराब दिन निकले तब पिए, एक तरफ सुबह तक शराब बिक्री की छूट तो दूसरी तरफ ड्रंक एंड ड्राइव की कार्रवाई से लोग हैरान। न्यू ईयर पर सरकार शराबियों को निशाने पर रखकर मोटी रकम कमाई करने में जुटी हुई है। एक और नए साल के तड़के सुबह तक शराब परोसने और बेचने की छूट देकर कमाई का रास्ता अपनाया है। वही शराब लेकर चलने वाले या पीकर गाड़ी चलाने वालों का रास्ता रोककर बड़ी कार्रवाई कर दंड की राशि वसूल रही है। ऐसे में शराबी असमंजस में पड़ गए हैं कि शराब का लुत्फ उठाए या मजा और सजा दोनों के लिए तैयार रहे। कई शराबी इन दोनों से बचकर निकलने के अनोखे रास्ते भी खोज निकाल रहे हैं। इसलिए सर्वत्र चर्चा है कि शराब के भरोसे सरकार दौड़ रही है। राज्य सरकार ने न्यू ईयर एंड के दौरान 31 दिसंबर को शराब की दुकानों को 1 जनवरी की सुबह 5 बजे तक शुरू रखने की अनुमति दी है, ताकि ज्यादा से ज्यादा राजस्व मिल सके। इस निर्णय के तहत वाइन शॉप, बार, परमिट रूम, होटल से ग्राहकों को नव वर्ष के अवसर पर शराब आसानी से परोसी जाएगी। लेकिन होटल, परमिट रूम में शराब के दाम काफी महंगे रहेंगे। जिले के 100 से ज्यादा होटल, ढाबे आदि में एंट्री शुल्क रखी गई, जिसमें से आधे से अधिक ने मनोरंजन विभाग की अनुमति नहीं ली है। मनोरंजन विभाग भी अधिकारी कर्मचारियों की कमी होने का हवाला देकर संपूर्ण जिले पर निगरानी रखने को नामुमकिन बताते आ रही है। दूसरी तरफ शहर व जिले की पुलिस ने संपूर्ण जिले में लगभग 10,000 से अधिक कर्मी अधिकारी नव वर्ष मनाने वालों, खासकर शराब पीकर या पीने के लिए ले जाने वालों को घर पहुंचने के लिए तैनात कर रखा है। तो MNS News Live की खबर देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से MNS हिंदी ऐप डाउनलोड।